师傅。हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अंकिता भारद्वाज और आज है छोटी दिवाली और आप सभी को हैप्पी छोटी दिवाली। और आज के दिन को नरका चतुर्दशी भी कहते हैं। नरका चतुर्दशी के दिन कुछ यूँ हुआ था कि नरकासुर नाम का एक राक्षस था और उसने काफ़ी राजकुमारियों को बंदी बना रखा था। वो राजकुमारियों को बंदी बनाता था और उन्हें छुपा देता था। उसका पाप इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि स्वयं हमारे कान्हा जी को आना पड़ा और कान्हा जी ने उसका वध किया और उन सारी 16,108 राजकुमारियों को बचाया। जब वो राजकुमारियाँ बच गई तो उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा कि अब हमें कौन हमसे शादी करेगा, क्योंकि पहले के टाइम पर किसी का अगवा होना, ऐसी चीज़ें हो जाना, लोग ज़्यादा इसको अच्छे उसमें नहीं लेते थे। तो उन्होंने कहा हमसे कौन अब विवाह करेगा। तो फिर श्री कृष्ण ने कहा कि आप सब मुझे अपने पति के रूप में ले लीजिए, आप मुझसे शादी कर लीजिए, आपको अपने महल में जगह दूंगा। ठीक है, श्री कृष्ण ने उन्हें सिर्फ अपना नाम दिया था। कई लोग उसको रॉन्ग तरीके से लेकर जाते हैं, जो कि बिल्कुल ऐसा नहीं था। उन्होंने सिर्फ उनको अपना नाम दिया था ताकि वो लोग अच्छे से रह सके, कोई उनके ऊपर लांछन ना लगाए कि इनको ऐसे ऐसे। तो उन्होंने सिर्फ उनसे विवाह करके उन्हें अपना सिर्फ नाम दिया। तो हमारे यहाँ छोटी दिवाली के दिन हम बेसिकली गौ पूजा करते हैं और गौ पूजा में हम गायों के सींग पर तेल लगाते हैं, सरसों का तेल लगता है, और उनके लिए स्पेशल लड्डू बनाए जाते हैं, उन्हें टीका किया जाता है, धूप से उनकी पूजा की जाती है, उन्हें फूल दिए जाते हैं। तो सारा ऐसे कुछ होता है। और गौ पूजा हम सिर्फ अपनी गायों की नहीं करते, हमारे यहाँ जितने भी हमारे अगल बगल हैं उनकी गायों की भी हम पूजा करते हैं। तो ये हमारे यहाँ बेसिकली होता है। आप मुझे बताइएगा आपके यहाँ क्या होता है। सुबह उठते ही मैं किचन में गई तो मेरी माँ ने ऑलरेडी पूरी बना ली थी और मम्मी उड़द दाल के पकौड़े का मिक्सचर रेडी कर रही थी और मुझे बता भी रही थी साथ साथ में कि फटाफट फटाफट सारे काम निपटा ले, क्योंकि मुझे आज बहुत काम है, मुझे घर में भी जाना है नीचे पूजा करने के लिए और ये सारा प्रसाद भी चढ़ाना है। और आज बग्वाल है, जो मैंने आपको कहा कि गौ पूजा होती है तो बग्वाल है, तो वो मम्मी कह रही थी उसके लिए फिर गायों की पूजा करने भी जाना है और फिर मुझे रिश्तेदारों को मिठाई वगैरह देने भी जाना है। तो बहुत काम है आज, फटाफट फटाफट सारे काम निपटा ले। तो मैं कह रही थी ठीक है मम्मी। तो यहाँ पे उड़द दाल की कुछ यमी यमी पकौड़ी रेडी हो चुकी थी, फिर हम गुलगुले बनाने लग गए। तो गुलगुले जो होता है वो बनता है आटे और गुड़ से बनता है, ये ज़्यादा हेल्दी होता है बजाय जो पुए बनते हैं उनमें चीनी डलती है, बट इसमें गुड़ डलता है, ज़्यादा हेल्दी होता है। तो दो चीज़ ये चीज़ हमने बना ली थी, पूरी ऑलरेडी रेडी हो रखी थी। मम्मी ने कहा जब तक ये हो रहा है तो ऐसे कर दियो में पानी डाल दे, उनको पानी पिला दे ज़रा, दियो को उनको डिप कर ले। तो मैं लेके गई सारे दिए और मैंने उनको डिप करने के लिए छोड़ दिया। फिर मम्मी ने कहा मैं एक काम निपटा के आती हूँ, तो ऐसे कर लास्ट वाला तू बना ले गुलगुले का। तो ये लास्ट वाले मैंने डाले यहाँ पे सारे गुलगुले, लास्ट वाला बैच मैंने बनाया और फिर मैंने ये यमी नाश्ता किया और मम्मी ने फिर लड्डू रेडी कर दिए थे गाय के लिए। मुझे नाम याद नहीं आ रहा इसको क्या बोलते हैं, बट उसके लड्डू रेडी कर लिए थे मम्मी ने और मैंने थाली रेडी कर ली थी, टीका फ्लावर और धूप रख दी थी उसमें पूजा करने के लिए और तेल भी ले लिया था साथ में। तो ये है हमारी मधु। और ये है लाली। गाय जितना भी इनको फूल लगाओ ये खाने लग जाती है फूल। फूल इनके सर पे लगाना था हमको फूल, पर ये तो खा लेती है फूल। यमुना पहले से काफी बड़ी हो गई है, अपनी मम्मी से भी बड़ी हो गई है यमुना। और ये यमुना की मम्मी सोनी। इनको टीका लगाओ, ये पीछे पीछे के ले जाते हैं और फूल इनको खाने के लिए तैयार। फोन देख रही हूँ। ये है सुंदरू, सबसे छोटा सुंदरू। और ये यमुना बड़ी हो गई नहीं दादी लोग। अब हम जा रहे हैं दादी और चाची की गायों को लड्डू खिलाने। ये है हमारी चंदा और चंदा सूखने में लगे हुए, खा नहीं रही हो। और ये है सुहानी।
ये है गौरी, गौरी बहुत लंबी है। सारी गायें आज बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखा रही हैं, क्योंकि आज उनकी सेवा हो रही है। लास्ट वीडियो में आपको याद होगा कि मौसम खराब हो रखा था, तो फिर बारिश शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से हमारी आधी लाइट्स खराब हो गई। फिर पापा नई लाइट लेके आए और मैंने और भाई ने फिर सारी लाइट्स को दोबारा से लगाया, सेट किया। ये पानी वाले दिए, ये नॉर्मल दिए। हैप्पी छोटी दिवाली गाइज। तुम्हारे यहाँ छोटा सा मेहमान आया है, जो मतलब नॉर्मली मुझे बिल्लियाँ पसंद नहीं है, बट आई थिंक इसको भूख लगी हुई थी और ये कई दिन हमारे घर आ जाती है। ये हमारे कूलर के ऊपर सोई रहती है, तो मैंने इसके लिए एक पूरी लाया है। पता नहीं, मुझे लगता है ना कि बिल्लियाँ थोड़ी सी शातिर टाइप की होती हैं, मतलब डॉग बड़े क्यूट लगते हैं मुझे। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है किसी बिल्ली को ऐसे फीड करते हुए, मैंने कभी किसी बिल्ली को फीड नहीं किया है, बिकॉज मुझे लगता है वो मेरे को नाखून मार देंगी। खाओ 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 खाओ, पूरी खा के उधर भाग गई है, पता नहीं क्या। ओए ओए, सो यही था सारी वीडियो में, और मुझे माफ़ कर दीजिए क्योंकि मैं नहीं बना पाई दिवाली का, बड़ी दिवाली का वीडियो नहीं बना पाई। मेरे घर बहुत सारे मेहमान आ गए थे, और क्योंकि अभी मैं नई हूँ, सो फोन को हैंडल करना, साथ में काम करना अभी मुझे उतना नहीं हो पाया, तो वो नहीं हो पाया। बट यस, हम बड़ी दिवाली के दिन मैं रंगोली बनाती हूँ शाम के लिए। मैंने इस बार फूलों की रंगोली बनाई थी। फिर हम लोग सारे तैयार होकर पूजा करते हैं, एंड पूजा में हमारे यहाँ प्रसाद चढ़ता है, खील जिसे मुरूरे भी कहते हैं, खील और कोई भी मिठाई आप जो चढ़ाना चाहे वो। फिर हम उसके बाद ही सारे जो भी पटाखे दिए वगैरह सब उसका काम उसके बाद ही होता है, और फिर हम जितने भी हमारे अगल बगल लोग हैं सबको अपना प्रसाद और मिठाई बांटने जाते हैं, और लोग हमारे यहाँ आते। तो यही हुआ था दिवाली के दिन। तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ मुझे पता है आप लाइक तो कर देंगे, बट अगर आपसे हो सके तो एक्स्ट्रा एफर्ट में या कमेंट कर दीजिएगा या शेयर। अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते तो शेयर कर दीजिए, और शेयर नहीं करना चाहते तो कमेंट कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिएगा जिससे मुझे और मेरे चैनल को थोड़ी सी हेल्प मिले। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए राधे राधे।